नमस्कार, राजगिरी में आपका स्वागत है। वीकेंड स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में हम बात कर रहे हैं सितार वादक पंडित गौरव मजूमदार से। पहले हिस्से में हमने उनसे संगीत सुना और उनके गुरु पंडित रविशंकर के बारे में ढेर सारी बातचीत की। इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे पंडित जी यानी पंडित गौरव मजूमदार के संगीत पक्ष में जो कोलैबोरेशंस हैं, यानी जो विश्व के दूसरे कलाकारों के साथ मिलकर संगीत बजाते हैं, उस पक्ष पर बातचीत करेंगे। बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रैमी नॉमिनेशन की। तो उस जो अचीवमेंट था आपका, उसके बारे में बताइए। शिवेंद्र जी, ग्रैमी नॉमिनेशन जो है 2004 जो साल था, मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो साल था, क्योंकि कुछ इवेंट्स, एक तो 1999 में जब ये नया मिलेनियम शुरू हुआ 2000, मैं वैटिकन में बजाया। वो कॉन्सर्ट के बाद थोड़ा एक ग्लोबल, एक छोटा सा एक मेरा प्रेजेंस, लोग मुझे जानने लगे, सुनने लगे और ज़्यादा। और उसके बाद 2004 में मैंने ओलंपिक्स जो था उसका सेंटेनरी था ग्रीस में, उसका ओपनिंग जो था फिलिप ग्लास के साथ मैंने किया, और उसका जो संगीत था गुरु पंडित रविशंकर जी ने उसको कंपोज किया था। ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए, गुरु जी का म्यूज़िक बजाना फिलिप ग्लास के साथ, वो भी ओलंपिक्स का ओपनिंग 2004 में ग्रीस में। उसके अलावा 2004 में एक रिकॉर्डिंग जो था वार्नर ने रिलीज़ किया था, ईस्ट मीट्स वेस्ट, ये वही म्यूज़िक है जो गुरु जी ने यहूदी मेनविन के साथ बजाया था, और वही पीसेज राग पीलू और स्वर काकली जो कि राग तिलंग में निबद्ध है, हमने उसको रिकॉर्ड किया था और ये ग्रैमी तक गया, नॉमिनेट हुआ। ये एक बहुत एक पल है जो हम कभी उसको भूल नहीं सकते हैं, और हमको लगा कि चलो कम से कम जो इंटरनेशनल हमारा जो म्यूज़िक कम्युनिटी है उसने मुझे एक्सेप्ट किया, उसने मुझे दाद दिया, उसने मेरे संगीत को सराहा, और मुझमें एक शक्ति बोलिए या एक विश्वास बोलिए, और या जो मेरे अंदर जुनून था उसको एक शक्ति मिला कि नहीं, हमको अभी और मेहनत करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है। सो ये एक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, ग्रैमी नॉमिनेशन 2004 फॉर ईस्ट मीट्स वेस्ट विथ माई वेरी डियर फ्रेंड डैनियल होप। दादा, उप शास्त्रीय संगीत की बात नहीं हो रही है तो क्यों ना कुछ कोई ठुमरी, कुछ चैती, कुछ जो आप छेड़ना चाहें। शंकर जी की परंपरा कह लें या ये कह लें कि वो खुद भी बहुत सारे कोलैबोरेशन करते थे, और आपने भी बहुत सारे बड़े कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन किया है जो वर्ल्ड म्यूजिक में बड़े नाम है, डेनियल होप की तरह के बड़े दिग्गज कलाकारों में शुमार है, तो ये जो कोलैबोरेशन है आपके, उनके बारे में बताइए। शिवेंद्र जी, ये कोलैबोरेशन जो है मेरे लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस था। मैं सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं कि अच्छा मैं इसके साथ कोलैबोरेशन करूंगा। इसके साथ एक एक या तो म्यूजिशियंस मुझे मिलते गए या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए या हमको बताया गया कि आप ये काम करिए। डैनियल होप का जैसे है, वो मेरे गुरु माँ और गुरु जी पंडित रविशंकर जी, उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला जो है, और मुझे काफ़ी
ताजुब हुआ कि मैंने कहा कि जो पीसेज मेरे गुरु ने बजाया है और इतना खूबी से उन्होंने कंपोज किया है, बजाया है, उसको मैं कैसे बजा पाऊंगा। मैंने ना बोल दिया था, मैंने बोला कि नहीं। एक तो करीब 2 बजे फ़ोन आया था डैनियल होप का, वो विदेश से उन्होंने फ़ोन किया, उनको शायद टाइम डिफरेंस का पता नहीं था। मैं सो रहा था तो उन्होंने बात किया, हमने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा और आप किसी और को देखिए, और क्योंकि ये पीसेज बहुत मुश्किल पीसेज हैं, मेरे गुरु के बजाए हुए हैं, तो मैं इसके साथ छेड़खानी करना मैं पसंद। तो उन्होंने बोला नहीं, आपके गुरु और गुरु माँ ने आपका नाम दिया है आपके बारे में। हमने कहा कि नहीं, उनको उनको मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप किसी और को देख लीजिए। और मैंने बोला कि अनुष्का हैं, अनुष्का तो बजा रही हैं, आप बहुत अच्छा बजा रही हैं, आप उनको। तो उन्होंने बोला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, मैंने ना बोल दिया, फिर मैं सोने चला गया। और 1 मिनट में फिर गुरुजी का और चिनमा का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला तुमने ना क्यों बोला। हमने कहा कि ना, मैंने ऐसे नहीं, आप उसको वो मत करिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुमको मेरा आशीर्वाद है, तुम रियाज शुरू करो, अगर तुमको कुछ उसमें जानना है सीखना है मैं कराऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसको बजाओ। तो इसी तरीके से जो भी मेरे कोलैबोरेशंस थे, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन मैं आपको बताऊं, एलन होवेनेस, ही वाज अ वंडरफुल कंपोजर, आर्मेनियन बट बेस्ड इन अमेरिका, आर्मेनियन अमेरिकन। उन्होंने मेन्युइन ने उनको 60s में उनको कमीशन किया था एक डबल कॉन्चर्टो लिखने का, फुल ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, उसके साथ सितार और वायलिन डबल कॉन्चर्टो। उन्होंने उसको लिखा, उसके बाद मेन्युइन का मन था कि वो पंडित रविशंकर जी के साथ और वो वायलिन बजाएंगे, मेन्युइन, गुरुजी सितार बजाएंगे और एक लार्ज ऑर्केस्ट्रा के साथ ये कॉम्पोजिशन वो उसको लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन किसी कारण से वो हुआ नहीं। बाद में हो तो हो, वो जो जिसके पास वो कॉम्पोजिशंस के राइट्स थे, फिर होवेनेस के फैमिली वो कैसे करके हमारे टच में आए, हमको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं स्लोवाक फिलहारमोनिक के साथ, हम चाहते हैं आप इसको सितार का जो पार्ट है आप बजाइए। सो वो बोलिए, फिर मेरा जो मैंने काफ़ी सारे मन में जब भी कुछ आता है मैं थोड़े थोड़े राग भी कंपोज करता हूँ। जब वैटिकन में मैंने बजाया तो मैंने एक राग बनाया जो सिर्फ आरओ में सिर्फ 4 स्वर है, अवरो में सिर्फ 5 स्वर है, आकांक्षा बोल के। मैंने कहा कि क्योंकि नया मिलेनियम है, हमारी बहुत सारे आशाएं हैं अभी कि नया मिलेनियम ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये बेटर होगा, वो बेटर होगा, तो हमने उसका नाम आकांक्षा दिया था। तो वो बोलिए, फिर इंग्लिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने कंपोज किया, निमराना बोल के एक प्रोजेक्ट मैंने इंडिया में किया था फ्रेंच क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ। फिर उसी बार मैंने, ये करीब 20-25 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ शिवेंद्र जी, मोजार्ट का जो पहला जो उन्होंने जो अपेरा किया था बास्तियान एंड बास्तियान, उसको मैंने पूरे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैंने उसको ऑर्केस्ट्रेट करके उसको हमने तैयार करके वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ, ऑपेरा सिंगर्स के साथ हमने उसको परफॉर्म किया था। उसके अलावा हर्मन हेसे का जो बुक है सिद्धार्थ, नोबेल प्राइज विनिंग राइटर, उसको मैंने बैले का म्यूज़िक मैंने किया था, वो इंटरनेशनली प्रेजेंट हुआ था, बहुत सारा आ गया था। फिर श्वेत बोल के एक मूवी बना था इंडियन का, जो फार्मर्स का जो इशू है उसके उसको लेके, उसका म्यूज़िक मुझे बोला गया था, मैंने उसको किया। फिर यहाँ पे सिंफोनियाटिया के साथ मेरा जो उसके पहले चाइना में बेल्ट एंड रोड फेस्टिवल का जो इनाग्रेशन था उसमें मेरा जो सेलिब्रेशन जो टाइटल्ड सेलिब्रेशन जो मेरा सितार कॉन्चर्टो 1 है उसका मैंने प्रीमियर किया। फिर शिकागो सिंफोनियटिया के साथ हमने यहाँ पे शिकागो में उसको परफॉर्म किया। अभी नेक्स्ट ईयर मेरा जो दूसरा मेरा सेकंड कॉन्चर्टो में लिख रहा हूँ कलर्स बोल के, उसको मैं प्रेजेंट करूँगा। उसके अलावा डैनियल होप हैं, फिलिप ग्लास है, केनी वर्नर हैं जैज म्यूजिशियन, काफ़ी लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, एन मोराडियन, शी इज़ अ मॉडर्न डांसर, उसने वो वोमेन बेयरिंग बोल के एक ब्यूटिफुल पोएट्री है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसको उन्होंने कोरियोग्राफ किया था उसका म्यूज़िक। तो मैंने क्या है, बाय नेचर मैंने ना बोलना नहीं सीखा है, तो जब भी कोई हमको एक चैलेंज बोलिए या ऑफर बोलिए या
कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी हमको देते हैं, मैं हाँ बोल के उसको अपना जो पूरा जी जाने में लगा देता हूँ। फिर उसका जो फल जो भी कुछ है वो लोगों के सामने है कि उनको अच्छा लगे ना लगे वो फिर हमको लोग बताते हैं कि लेकिन अभी तक जितना भी हुआ है आप लोग के आशीर्वाद से लोगों को अच्छा लगा है और मुझसे उससे उस क्या होता है एक हौसला मिलता है कि नहीं चलो ठीक रास्ते पे हैं काम करते जाओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।